हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का बोर्ड प्रैक्टिस पेपर देखेंगे हम, जो कि आपको हेल्प हो जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट वन के लिए। 40 मार्क्स का ये पेपर है। अगर आपको सॉल्व करना है ये, तो मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। आप मोबाइल हॉरिजॉन्टल पकड़ लीजिए, आपको ये फोटो निकालने में, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये रहा पेपर, होप करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है पेज नंबर 3, और अब मैं पेज नंबर 4 दिखाने वाला हूँ। ये है पेज नंबर 4, और ये अगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेज दूंगा शॉर्ट वीडियो में। ओके, तो चलो इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको सॉल्व करके, इसके आंसर भी तैयार है। अगर आंसर देखना है तो उसके लिए भी आप वीडियो पूरा देख सकते हो। मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, सॉरी 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, यानी 1 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन फर्स्ट है द रिएक्शन एन ए ओ एच सॉलिड प्लस एच टू ओ लिक्विड गिव्स एन ए ओ एच एक्यूस और इज एन ब्लैंक रिएक्शन। यहाँ पर प्लस हीट इन्होंने दिए नहीं जानबूझकर, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर इवेपोरेट होती है, निगलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होता है, तो इंक्रीज होता है। स्टूडेंट ये बात आप याद रखो, इंक्रीजेस उसका ऑप्शन ए होना चाहिए था, इंक्रीजेस। उसके बाद थर्ड, ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा और ये है एंगल 40 डिग्री देकर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 में से 40 माइनस करो, बचे 50, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 50। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपने पढ़े ही होंगे। उसके बाद डैश सी ओ ओ इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ईस्टर, ईस्टर का एग्जाम्पल है। इसके पहले का मैंने पेपर एक्सप्लेन किया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आंसर आया था, तो अब ईस्टर पे आया है ना, तो वेराइटी अच्छी है पेपर की। उसके बाद बी ऑप्शन यानी क्वेश्चन 2 का बी है कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। नेम द मेटलॉइड इन द थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में मेटलॉइड सिलिकॉन रहता है। देन व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स, इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। देखो स्टूडेंट, इस टाइप से मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिया है। ये 5 क्वेश्चन के 5 आंसर्स है। बी का फर्स्ट जो है सिलिकॉन है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स, सो सेंट्रिपेटल फोर्स का आंसर भी रेडी है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो ऐसे टाइप से अगर वो घूम रहा होगा तो सेंटर की तरफ जो फोर्स उसको खींचता है उसको सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रिपेटल फोर्स मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ आना चाहता है, तो ये उसका आंसर होना चाहिए। और 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, मैं इधर रेड में जो है वो मार्किंग है और इधर क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद में क्वेश्चन है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, द रॉड लाइक सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रॉड लाइक सेल्स है वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर ही एक्टिवेट होते हो, आइस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। रॉड शेप एंड कोन शेप, ओके, कोन ये कलर बताता है, रॉड शेप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एक्टिव होते हो सेल्स। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है कंसिडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द सेकंड, कैसेटराइट ओवर ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम सेपरेट करते हैं गैंज पार्टिकल वगैरह, तो सल्फाइड ओवर के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, सो इसका आंसर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है फिफ्थ, व्हाट इज द लॉन्च व्हीकल, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है कि ये आंसर देख रहा हूँ मैं फिफ्थ वाला,
और रॉकेट यूज टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू अ डिजायर्ड हाइट अबव द अर्थ सरफेस। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, उसको ऊपर लेकर जाने के लिए, डिजायर्ड हाइट पर लेके जाने के लिए जो रॉकेट यूज किया जाता है, एंड देन प्रोजेक्टेड विद द प्रॉपर वेलोसिटी, उसको प्रॉपर वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट द सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ डिजायर्ड ऑर्बिट। हमको जो ऑर्बिट में उसको घुमाना है सैटेलाइट को, उस ऑर्बिट में वो घूम पाए, उसको बोलते हैं, उस रॉकेट को बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये बाकी के तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। अ रॉकेट यूज टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज कॉल्ड एज लॉन्च व्हीकल। ये भी चलेगा 1 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होने चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े आंसर लिखे हैं। बट इसमें मैंने खुद के भी थिंकिंग जहाँ पर यूज़ होती है, वर्ड वगैरह कम हो सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में, उस वो भी मैंने ट्राई किया है। उसके बाद में क्वेश्चन 2 का ए है, गिव साइंटिफिक रीजन एनी 2 सॉल्व करना है, हम तीनों भी सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर का जो फ्यूज जो वायर रहता है, उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट कम वाले मटेरियल क्यों यूज कर किए जाते हैं। सो अ फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट अ सर्किट एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट। फॉर दिस अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। अब फ्यूज क्या करता है पता है क्या? सर्किट में जो करंट वगैरह फ्लो होता है ना, उसका एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए वो रुकाता है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो नहीं होनी पाई, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होगी तो क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट होगा। क्योंकि अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में बोलो या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में हमने देखा था कि शॉर्ट सर्किट में इंक्रीज होता है फ्लो, और करंट वगैरह फ्लो होने की वजह से कहीं पर आग गिग लग सकती है ना, आग वगैरह लग जाएगी। इसलिए ये फ्यूज जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। व्हेन द करंट इन द सर्किट पासेस थ्रू द फ्यूज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर ज़्यादा करंट वो सर्किट में से फ्लो होने लग गया तो वो फ्यूज वायर जो होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड व्हेन द करंट एक्सीड्स, जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू के बाद वो करंट बढ़ता ही जाएगा, द फ्यूज मस्ट मेल्ट टू ब्रेक द सर्किट। वो फ्यूज मेल्ट होना चाहिए, सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए। इसलिए फॉर दिस द मटेरियल फॉर अ फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, कम होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। रेंसिडिटी पर क्वेश्चन है ये कि इफ एडिबल ऑयल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एडिबल ऑयल है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपने रखेंगे, इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन, वो उसमें ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इट बिकम रैंसिड एंड इट स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। वो सड़ने लगेगा और उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों भी चेंज हो जाएगी। रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है फूड स्टफ में। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए जहाँ पे ऑक्सीजन का दूसरा कोई भी गैस ना होने पाए, तो इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में हम रखते हैं ऑयल वगैरह को, फूड स्टफ को। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम को हमेशा केरोसिन में ही क्यों रखा जाता है? सोडियम रिएक्ट सो विगरसली विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन दैट कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन। सोडियम इतना एक्टिव मेटल है कि अगर उसको आप हवा में भी रख दोगे तो वो फूटने लगेगा, वो कैचेस फायर कर लेगा, यानी आग पकड़ लेगा, है ना। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन एंड सिंक्स इन इट। वो केरोसिन के अंदर डूब भी सकता है, केरोसिन के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, और केरोसिन कंपेरेटिवली एयर के कंपेरेटिवली ठंडा रहता है। हेंस टू प्रोटेक्ट सोडियम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स इट इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, हमेशा उसको केरोसिन में रखा जाता है। इसके बाद सेकंड बी का क्वेश्चन है, सॉल्व एनी 3, उसमें के तीनों भी सॉल्व करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस द हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया जो 500 मीटर के हाइट पर पहुंचा,
व्हाट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो पहले गिवन लिखा करो, हाइट है 500 मीटर, ग्रेविटेशनल देखे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी उसकी। देखो ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाके थोड़ा सा रुकेगा ना, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी यू, ये पूछी गई है क्वेश्चन मार्क। सो एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, ऊपर जा रहा होगा तो जी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, ए मतलब ही क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और यहाँ पे इसलिए माइनस लिए हमने क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वैल्यूज हमने पुट आउट कर दिया है। सो ये जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये माइनस टू जी एच इधर लेकर जाओ प्लस हो जाएगा, प्लस टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000, यू इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बाद में भूल जाता हूँ, नहीं तो लास्ट में तो मैं इसके फोटोज़ वगैरह अच्छे क्लियरिटी में देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद है क्वेश्चन टू, राइट द फोर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड। सो ये है अल्डिहाइड जो रहता है, उसकी सीरीज है सी एच ओ, सो एच सी एच ओ, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल, सी एस टू की एक एक चेन बढ़ती जाएगी आगे आगे चल के। ओके तो ये आप लिख लो डायरेक्टली ही, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन स्पेंड करेगा, और कंपटीशन में कौन है, 500 वैट का टीवी सेट जो 30 मिनट्स के लिए चालू है, और दूसरे साइड में है 600 वैट का हीटर जो 20 मिनट्स के लिए चालू है। मैंने भले इसके दोनों ही कॉलम बनाए हुए हैं कि टीवी सेट पावर 500 वैट का है, टाइम 30 मिनट ले रहा है, सो 30 मिनट मतलब हाफ आवर है, सो एनर्जी यूज़ क्या है, पावर इंटू टाइम, सो मल्टीप्लाई किया 250 वैट आवर, इतनी एनर्जी वो यूज़ कर रही है टीवी सेट, और इधर इस साइड में है हीटर जो पावर 600 वैट का है, टाइम है इसका ओनली 20 मिनट्स, सो 1/3 आवर होगा, ये आवर में ही चाहिए क्योंकि इसका यूनिट देखो वैट आवर है, और इसका भी पावर इंटू टाइम, सो ये है 200 वैट। आपको दिख ही रहा होगा कि टीवी सेट ज़्यादा हीट यूज़ कर रहा है, सो दस टीवी सेट विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैन द हीटर, ये उसका आंसर होना चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मेरा हाथ बीच बीच में आ रहा होगा क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ ही क्वेश्चन हमारे एक 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 खत्म होते जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन फोर है, इसमें ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल, फिगर को ऑब्जर्व करके टेबल को कंप्लीट करना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ईजीली, है ना। सो ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है, बिटवीन F1 एंड 2F1, सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी बिटवीन F1 एंड 2F1। उसके बाद है पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पर है, बियॉन्ड 2F2 के बाहर है, इधर ये बाहर जा रही है ना, सो बियॉन्ड 2F2। साइज ऑफ इमेज ये थोड़ी सी लार्जर दिख रही है, देखो ये है ऑब्जेक्ट की साइज और ये है इमेज की साइज, इमेज की साइज थोड़ी बड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट की साइज से, इसलिए थोड़ी सी लार्जर लिखूंगा मैं। और नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल लाइट रेज ट्रैवल करते हुए जा रहे और मिल रहे हैं तो रियल है, और ऑब्जेक्ट वर्टिकल है ये इन्वर्टेड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उसकी मिल रही है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। 2 मार्क्स के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, अच्छी बात है। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम, सॉल्व एनी 5, कोई भी 5 सॉल्व करना है। विच लॉ डिस्क्राइब्स बाय द फॉलोइंग फिगर स्टेट द लॉ, कौन सा लॉ इसमें डिस्क्राइब हो रहा है और लॉ को बताइए, एक्सप्लेन करिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। फर्स्ट है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद एन सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो एलिप्स रहता है, एलिप्टिकल है, और वो सन को दो फोकस रहते हैं एलिप्स को, यानी एक फोकस इस साइड तो दूसरा फोकस इस साइड रहता है, तो दोनों में से एक जगह सन की पोजीशन वो प्लेस करता है। केपलर्स का सेकंड लॉ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो तीनों का एरिया दिखा करे, एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, ये तीनों भले ही छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये बड़ा ये छोटा ये उससे छोटा,
बट तीनों का भी एरिया सेम ही है, यानी एक ही टाइम में, सेम टाइम में ही वो प्लैनेट उतना कवर करेगा। यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे सबसे कम। और केपलर का थर्ड लॉ है, द स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वेयर किया जाए तो वो इक्वल टू, या तो बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के, इतना प्लैनेट और सन के बीच में का। तो ये भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर दिया है मैंने, आप इसको अच्छी तरह से, अभी रिविजन है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, आपका भी टाइम बचा रहा हूँ। इसके साथ ही क्वेश्चन सेकंड है, डी मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। एक बार क्वेश्चन बता ही देता हूँ मैं, राइट द डी मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बड़ा ही है कि डी मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल क्या है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये, द एलिमेंट्स कोबाल्ट निकेल हैव द सेम होल नंबर एटॉमिक मास। अब उस टाइम पर पहले तो कम ही एलिमेंट वगैरह ये ढूंढे जा चुके थे, डिस्कवर करे थे, उसमें कोबाल्ट और निकेल इनके एटॉमिक मास लगभग सेम ही थे, और इसलिए उसमें कहाँ पर इनकी प्लेस रखे, पहले कौन रखा जाए, इसमें प्रॉब्लम गया था मेंडेलियस को। सेकंड है, आइसोटोप्स हैव सम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स का क्या प्रॉब्लम है, का केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट एटॉमिक मासेस अलग अलग है, और वो मेंडेलियस के टेबल बनाने के बाद वो मिले, और अ चैलेंज वॉज प्लेस्ड इन प्लेसिंग आइसोटोप्स इन द टेबल, और वो टेबल में आइसोटोप्स रखने के लिए उनको जगह ही नहीं मिली बाकी के साइंटिस्ट लोगों को। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलियस हैड मच मोर डिफरेंस बिटवीन देयर एटॉमिक मास, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन हेवी एलिमेंट्स। अब उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने जगह वगैरह तो बना ली, बरोबर बढ़िया प्लेस वगैरह किया, और उस टाइम पर जो उनको पता नहीं थे उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी जगह उन्होंने छोड़ रखी थी, बट जो हेवी एलिमेंट्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, और बीच में 2 एलिमेंट के लिए जगह छोड़ू या 4 एलिमेंट के लिए या 40 एलिमेंट के लिए, उनको कुछ उतना समझ में नहीं आया उस टाइम पर, तो ये भी एक डीमेरिट हुआ। और उसके बाद था, हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद हैलोजन्स। हाइड्रोजन ये ग्रुप 7 वाले जो हैलोजन्स है उसके साथ सिमिलैरिटी बता रहा था, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ पर रखे, ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स में यानी कि ग्रुप 1 में रखे या ग्रुप 7 में रखे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, यानी प्लेस करने में प्रॉब्लम जा रही थी, तो ये उनके कुछ डीमेरिट्स थे। उसके बाद था क्वेश्चन थर्ड, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस रिएक्शन को ध्यान में रख के स्टडी करके इसके क्वेश्चन के आंसर दो। तो आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको दिख रही है क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह डिस्प्लेस कर दी है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा, द रिएक्शन शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन अबाउट द रिएक्शन, इस रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है और खुद का आयन ही फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म कर लेता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह ले लेना, बदल देना, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फिर है, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसका आंसर है, इन गिवन रिएक्शन आयरन एंड कॉपर सल्फेट आर रिएक्टेंट्स एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर आर द प्रोडक्ट्स। तो इस कंडीशन में आयरन कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट्स है, आयरन सल्फेट और कॉपर ये प्रोडक्ट मिले हमको। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो विच आई डिफेक्ट इज शोन इन द डायग्राम। देखो रेटिना के पीछे इमेज गिर रही है ना, तो इसका मतलब ये हाइपरमेट्रोफिया या तो बोलो फार साइटनेस होना चाहिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ दिस आई डिफेक्ट, इसके क्या प्रॉब्लम, किस वजह से ये प्रॉब्लम आया है।
सो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस, हेंस द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिकम्स लेस। अब एक पॉसिबल रीजन ऐसा है क्या, कॉर्निया का कर्वेचर ये कम हो जाएगा, ये कॉर्निया का कर्वेचर ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, इसके लिए कॉन्वर्जिंग पावर वो लेंस का कम हो जाएगा, यानी यही कॉन्वर्ज करना था तो कम हो गया, दूर कॉन्वर्ज कर रहा है, और कॉन्वर्ज करना मतलब एक जगह लाना, डाइवर्ज करना मीन्स अलग जगह दूर लेकर जाना। सो दूसरा पॉसिबल रीजन है द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम वेरी लार्ज। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये रेटिना और आई लेंस, ये रेटिना और ये आई लेंस, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा कोई प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए भी इमेज बाहर पड़ सकती है। उसके बाद है हाइपरमेट्रोफिया इज करेक्टेड यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ इज डिफेक्ट को रिलेटेड, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम इस डिफेक्ट को, तो हम कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज किए तो इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन रीजन्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स ये जिंदा कैसे रहते हैं, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है हमको, तो चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं। इन कोल्ड रीजन्स ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा सा छोटा वगैरह किया है मैंने, अगर आपको इस ये पसंद आता है आंसर तो ये भी लिख सकते हो आप बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक वगैरह तो कवर मैंने कर ही लिया है उसमें खुद के वर्ड्स यूज करके। कोल्ड रीजन्स में विंटर के समय द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, आसपास का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है। एज अ रिजल्ट द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द लेक्स एंड पॉन्ड्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। अब उसके अंदर जो पानी रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो कम हो रहा है, और कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस, एंड द वाटर सिंक्स टू द बॉटम, और वो ठंडा पानी नीचे जाने लगता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ ऑल द वाटर इन द लेक फॉल्स टू द 4 डिग्री सेल्सियस। वो ठंडा पानी नीचे जाएगा, गर्म पानी ऊपर आएगा, ऐसा कब तक चलते रहेगा, जब तक पूरा के पूरे लेक का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता। अब मेन पिक्चर बनती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, फर्दर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर ऑफ द सर्फेस ऑफ लेक एक्सपांड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे अब पानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपांड होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो ऊपर का पानी जो है आइस में बन जाता है, पर नीचे का पानी वैसे के वैसे ही आइस लेयर के नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रह जाता है, एंड फिशेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स कैन सर्वाइव इन इट। उसके नीचे के जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो जिंदा रह पाते हैं क्योंकि वो पानी में है। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है, Why is it beneficial to use a satellite launch vehicle made up of more than one stage? आपने लेसन में पढ़ा ही होगा कि जो रॉकेट का लॉन्चिंग होता है, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले जो रॉकेट होते हैं उसमें अलग अलग स्टेज रहते हैं, ज़्यादातर 3-4 stages वाला वो यूज़ करते हैं। ओके, सो ये रॉकेट है, ये 3-4 stages का यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक ही स्टेज वाला की है तो इतना बड़ा वजन, अगर इसमें का फ्यूल भी खत्म हो गया तो टैंक क्या होगी, ज़्यादा की ज़्यादा वजन वाली टैंक ज़्यादा ही लेके जाना पड़ेगा। अगर ये बीच में से इतना टुकड़ा अगर गिर गया तो इतना वजन कम हो जाएगा ना, 1000 टन रहता है, ऐसा भी नहीं क्या 2-3 किलो रहेगा। उसके बाद इसमें का फ्यूल बर्न करते हैं, फिर इसको फेंक देते हैं, इसका फिर यही गिर जाता है, और कहाँ पर गिरता है, एक तो डेजर्ट में या तो सी में गिरता है जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो इसलिए ये मल्टीपल स्टेजेस वाले जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। चलो अब इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम कि अर्लियर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज टू बी ऑफ अ सिंगल स्टेज व्हीकल्स। इसका पहले क्या होता था, सिंगल स्टेज वाले ही सैटेलाइट लॉन्च करने के रॉकेट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। सच SLVs यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यूज टू बी वेरी हैवी एज वेल एज एक्सपेंसिव इन द टर्म ऑफ इट्स फ्यूएल कंजम्पशन। ये जो बड़े बड़े टैंक रहते थे ये बहुत ही वजनदार रहते थे,
उसके अंदर फ्यूल लेके जा रहे हैं हम, ये बात ठीक है, बट फ्यूल खत्म होने के बाद वो क्या रह जा रहा है? सिर्फ वेट ही रह जा रहा है ना, उसको भी लेके जाएंगे वो सैटेलाइट, तो कोई फायदे की बात नहीं है। एज अ रिजल्ट SLVs विथ मल्टीपल स्टेजेस वेयर डेवलप, इसलिए ही मल्टीपल स्टेजेस वाले SLV यूज किए गए। इन मल्टीपल SLVs एज द जर्नी ऑफ द लॉन्च व्हीकल प्रोग्रेसेस एंड द व्हीकल अचीव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी एट अ सर्टन हाइट द फ्यूएल ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड। अब ये मल्टीपल स्टेजेस SLV में क्या होता है पता है क्या? लॉन्च हो गया व्हीकल, चलो रॉकेट अब उड़ रहा है, और रॉकेट अगर उड़ रहा होगा तो उसके बाद क्या होगा? अगर वो नीचे के सबसे नीचे का पार्ट का अगर फ्यूल खत्म हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाता है रिमोट से, और वो डिटैच हो गया तो उतना वजन क्या हो जाएगा उस रॉकेट का? कम हो जाएगा, और ये नीचे किधर ना किधर गिर जाएगा। तो एम्प्टी फ्यूल टैंक गेट्स डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द लॉन्च व्हीकल एंड फॉल्स बैक इन टू द सी और ऑन अनपॉपुलेटेड लैंड। एक तो समुंदर में सी में गिर जाएगा, या तो जहाँ लोग नहीं रहते डेजर्ट वगैरह में वहाँ पर वो गिरा देते हैं, है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? उसका वेट कम हो जाएगा। एज द फ्यूएल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड द इंजन इन सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। फर्स्ट स्टेज का खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया, ये निकल गया, तो दूसरे स्टेज का जो रॉकेट वाला था पार्ट उसका इंजन इग्नाइट होना चालू हो जाता है, उसको जला देते हैं, यानी वो इंजन चालू हो जाता है, और फिर अब वजन भी कम हो गया और ज़्यादा स्पीड मिलेगी उसको। हाउएवर द वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज नाउ लेस देन व्हाट इट वॉज अर्लियर। पहले जितना उसका वेट था अब उससे कम हो चुका है, और थस इट कैन मूव विथ हायर वेलोसिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से अब उड़ सकता है। दस इट सेव्स फ्यूल कंजम्पशन, और फ्यूल कंजम्पशन भी बचेगा ना, क्योंकि फ्यूल बचाएगा अब वो। हेंस इट इज़ बेनिफिशियल टू यूज़ अ मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसलिए मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अब यूज़ किए जा रहा है। उसके बाद है टेबल देकर है हमको, क्या टेबल में है नेम ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर मतलब धागे, मैंने बोला भी होगा आपको। कंस्टिट्यूएंट मोनोमर मतलब कोई उसमें का एक पार्ट बताओ कि जिसकी चेन बना बनाकर ये पॉलीमर बना, उसका फॉर्मूला भी लिखना है, और उसका कहाँ यूज होता है वो लिखना है। तो ये जो जो देकर है वो तो जाने दो, मैं सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पॉलीथिलीन है, जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं, क्योंकि देखो कैरी बैग्स और स्पोर्ट वेयर में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें चेन कौन सी रहती है? CH2 की डबल बॉन्ड में, यही लगते 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 जाकर इथिलीन, इसको एक को क्या बोलेंगे हम? इथिलीन, एक चेन को, ऐसे चेन को चेन लग के पॉलीथीन बनता है। उसके बाद है टेफ्लॉन, जो टेट्राफ्लूरो से बनता है, टेट्राफ्लूरो इथिलीन से, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसकी चेन है एक, ये टेट्राफ्लूरो इथिलीन नाम है इसका, और ये नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में यूज होता है। और थर्ड है पॉलीप्रोपिलीन, सो पॉलीप्रोपिलीन में प्रोपिलीन यूज होता है, और ये है प्रोपिलीन की चेन, ये एक चेन है, ऐसे हजारों चेन, लाखों चेन, करोड़ों चेन लगते हैं और पॉलीप्रोपिलीन बनता है, जो कि हम इंजेक्शन के सीरिंग्स में और फर्नीचर वगैरह में हम यूज़ करते हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 जो कि थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, के पहले एक्सप्लेनेशन देकर है। इन दिस मेथड मेटल्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम आर कोटेड विथ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोई चीज़ पर रस्टिंग नहीं आना चाहिए, कोरोड नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, स्पेशली मेटल। तो कॉपर एल्यूमिनियम के जैसे कुछ मेटल जो है उस पर कोट की जाती है थिन और स्ट्रॉन्ग लेयर, उसके ही ऑक्साइड की, यानी कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस से। इसके लिए क्या करते हैं वो? कॉपर और एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल है, जो बर्तन वगैरह होंगे, ज्वेलरी वगैरह होगी, जो भी चीज़ होगी, कॉइन्स वगैरह, उसको एनोड बोलकर यूज़ करते हैं। एज दिस ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर द सरफेस, इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन ऑफ द मेटल्स। मेटल कोरोजन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो टिक कर रहना चाहिए। अगर आप पेंट मारते हो तो वो 10-12 महीने, साल भर टिकेगा, बट अगर ये प्रोसेस करते हो तो सालों साल वो चीज़ टिकने वाली है। तो ये पैराग्राफ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दो, विच प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन द अबोव पैराग्राफ, और सेकंड है ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ दिस अबोव प्रोसेस। तो इसके अंदर स्टूडेंट एनोडाइजिंग प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है, और ये है एनोडाइजिंग प्रोसेस की डायग्राम, अच्छी तरह से देख लोगे। देखो एनोड बोलकर ये आर्टिकल्स यूज किए जा रहे हैं,
इसका टर्मिनल इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है बैटरी को, और निगेटिव टर्मिनल इसका जो बॉडी है आउटर पूरी बॉडी, ये कैथोड बोलकर यूज़ हो रही है। कैथोड मीन्स निगेटिव टर्मिनल, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये समझो ये व्हील है, ये कोई प्लेट है, ये भी कोई ऐसी बॉडी वगैरह कवर वगैरह होगा कोई चीज़ का, एल्यूमिनियम का या तो कॉपर का, और अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके ऑक्साइड की लेयर यूनिफॉर्म सभी जगह सेम यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि लास्ट भी क्वेश्चन है हमारे पेपर का, कि सॉल्व इन वन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2882, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। सो एटॉमिक नंबर कितना, 8+2 10, 10+8 18, 18+2 20, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा, तो देखो लास्ट में 2 है इसलिए सेकंड ग्रुप ही होगा ये, ठीक है कि नहीं, ये सेकंड ग्रुप। उसके बाद है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क मिल जाएगा आपको, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन है। सो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 ही होगी, ठीक है। 1 2 3 तक वैलेंसी 1 2 3 रहती है, 4 पर भी 4 रहेगी, 5 6 7 पर यहाँ पर रहेगी 3, यहाँ पर रहेगी 2, यहाँ पर रहेगी 1, एक तो 1 2 3 4 या तो 3 2 1, ये वैलेंसी रहती है। तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 वैलेंसी। टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड में है, तो मुझे एक बात बोलो तुम, इसमें शेल कितने हैं, 1 2 3 4, तो फोर्थ पीरियड। और लास्ट है, विथ विच एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिसेम्बल, इनमें से कौन से एलिमेंट के साथ वो हो सकता है, उसके प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो देखो वैलेंसी 2 देखो, जिसकी वैलेंसी 2 है वो है हमारा एलिमेंट जो जिसके साथ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैं अगर लिखूँ तो ये होगा 2 5, इसकी 2 नहीं है, नहीं है ये, इसका है 2 8 8, ये तो हेलोजन है ग्रुप 0 वाला, ये नहीं है अर्गॉन। बेरिलियम का है 2 2, लास्ट में 2 है, वैलेंसी 2 है, ये है हमारा एलिमेंट। और क्लोरीन का है 2 8 7, ये ग्रुप 1 में मिलेगा आपको, सॉरी ग्रुप 1 में बोल रहा हूँ मैं, हेलोजन में मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर है 4 BE। तो ये उसके आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने वीडियो का, एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बट व्हाई अ प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हो, बन चलू क्यों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर झकपक टिम 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 तारे क्यों करते हैं और प्लैनेट क्यों नहीं करते। तो इसका इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, कि एज अ स्टार इज फार अवे फ्रॉम अर्थ इट अपियर्स एज अ पॉइंट सोर्स। ये वर्ड बहुत ही जरूरी है पॉइंट सोर्स का, क्योंकि वो प्लैनेट में हमको काम आने वाला है। अब स्टार्स हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, कितना भी बड़ा स्टार होगा तो कैसा दिखेगा, पॉइंट सोर्स, एक छोटू सा डॉट। व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार इट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू एयर। जब स्टार से कोई लाइट आती है तो पहले वैक्यूम से आएगी और फिर हमारे एयर में आएगी, क्योंकि एटमोस्फियर है हमारे पास अर्थ का। दैट इज रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या है, वैक्यूम, डेंसर मीडियम क्या है, एयर। हेंस द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन हैपन्स। लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम अगर आती है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी और इसी टाइप से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। हेंस व्हेन अ स्टार इज ऑब्जर्व्ड नियर द हॉरिजॉन इट्स अपेरेंट पोजिशन इज स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन। और इसलिए स्टार भले ही ये साइड होगा बट एक्चुअली वो नीचे की साइड रहता है, हमको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखता है। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, ये हमारा रिविजन ही है। दिस अपेरेंट पोजिशन वेरीज विथ टाइम एज द मीडियम इज नॉट स्टेशनरी ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ एयर एंड चेंजेस इन द टेम्परेचर। अब ये जो पोजीशन है वो स्टार की, वो स्टार की जो इमेज आ रही है वो इमेज क्यों आ रही है, हमारे आंखों में उसकी लाइट जा रही है, पर बीच बीच में क्या हो जाएगा, एयर फ्लो हो रही है ना, और इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज होते जाएगा मीडियम, क्योंकि एक जगह नहीं, हवा तो बह रही है, और इसलिए
हमको वो स्टार कंटिन्यूसली एक जगह पर नहीं दिखता, कभी उसकी इमेज बंद हो जाएगी कभी चालू हो जाएगी। व्हेन मोर लाइट इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट, जब ज़्यादा लाइट हमारे पास आएगी हमारे आंखों में तो वो ब्राइट दिखेगा, और व्हेन लेस रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर द स्टार्स अपीयर्स डिम, और जब लेस लाइट आएगी तो वो डिम दिखेगा, और इसको ही हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते। उसके बाद प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, तो कंपेयर्ड टू स्टार्स प्लैनेट्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ। प्लैनेट्स ये अर्थ से यानी अर्थ के नजदीक है स्टार के अकॉर्डिंग, सो दे आर बिगर देन द पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से वो बड़े दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टार, तो ये ऐसा दिखता है छोटू सा स्टार, बट प्लैनेट ये इतना दिखता है, इसमें कितने पॉइंट सोर्स है ना, बहुत सारे पॉइंट सोर्स है। इसको अगर झाक दिया मैंने ऐसे पेन से टिप से तो ये दिख रहा नहीं, बट इसमें अगर मैंने यहाँ पर इसको झाक दिया तो बाकी का तो दिख रहा है ना, एक भी डिम हो गया तो बाकी के तो ब्राइट है ना, इधर का डिम हुआ तो इधर के ब्राइट है, इधर का डिम हुआ तो इधर के ब्राइट है ना, इसलिए ये प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। फिर भी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं कि पॉइंट सोर्स से बड़े दिखते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर देयर इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ दिस पॉइंट सोर्सेस। उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ब्राइटनेस में चेंज आता है, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था पहले पैराग्राफ में। ऑन एन एवरेज सम पॉइंट सोर्सेस मे बी ब्राइट व्हाइल सम रिमेंस डिम, कुछ ब्राइट रहेंगे कुछ डिम रहेंगे, और इसका मीनिंग है एवरेज जो ब्राइटनेस है वो जैसे कि वैसे ही रहेगा प्लैनेट का, हेंस एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट रिमेंस द सेम, हेंस द प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, इसलिए वो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता। तो स्टूडेंट ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा पसंद आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसके फोटो आप देख सकते हो, ये मैंने अच्छी क्लियरिटी में फ़ोटो डालने की कोशिश की है, और ये अगर आपको और कुछ वीडियो में मेरे कुछ कमी लगती है कुछ चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो उसके भी वीडियो अकॉर्डिंगली डालने की कोशिश करूँगा, अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।